नमस्कार मित्रों, मेरे साथ गगन मालिक जी हैं, जबकि मैं इनको राम से इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था। जय श्री राम। मैं भी बोलूँगा, भाई साहब जो है कमेटी से अशोक जी और विजय ज्वाली जी, ये तो मतलब येलो उसमें है। कल मैं इनका वीडियो लगा रहा था जो आज उन्होंने स्टेज पे बोला, तो मैं जब भाई साहब मिले मैंने बोला कि आपके वीडियोज में सर्च करके लगा रहा हूँ। सर राम जी से आपने बोला कि इट्स मर्यादा पुरुष होता है, मतलब पीपल शुड गेट इन टू द रोल, यू नो, तो हाउ डू यू फील व्हेन यू आर एक्टिंग सर? आई फील रियली ब्लेस्ड व्हेन आई एक्ट। बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मर्यादा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार रामलीला में संदेश ये है कि आप जो जनता है अपनी मर्यादा को मत लांघिए। आज कोरोना हमारे पास आया है, उसका सीधा कारण मर्यादा लांघना ही है, और किस रूप में लांघें। आपने धरती माता को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय किया, चाहे वॉर्स के रूप में, चाहे ड्रग्स के रूप में, अल्कोहल के रूप में, क्राइम्स के रूप में, हेट्रेड के रूप में, जेलसीज के रूप में। तो कोशिश करिए इन सारी चीज़ों से परे हटिए, आपस में भाईचारा लाइए, अपनी मर्यादा में रहिए, तो वाकई में ये कोरोना रूपी रावण चला जाएगा। इस रामलीला में हम बड़े अच्छे तरीके से राम जी के द्वारा ये संदेश पब्लिक को देने वाले। सर आपने अदर जो एक्टर्स थे, बाली जी, एवरीबडी गेव सम डायलॉग, तो आपका मैं चाहूँगा यू विल आल्सो ब्रिंग आउट सम डायलॉग, मे बी जब आपको वो वनवास वाला अगर आप याद करने की अब बात करेंगे। कुछ भी कर दीजिए। राम जी अगर जा रहे थे तो सीता ने आके कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो राम जी सीता को कहते हैं, सीते तुम इतने नाजों से पली हो, जंगल में कंकड़ पत्थर कांटे होंगे, भयंकर जानवर होंगे, तुम्हें यहीं महल में रहकर माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, तुम्हारा यहीं रहना ठीक होगा सीते। तो दिस इज द टोन एंड मैं आई विल नॉट स्टॉप यू। ये आपके मैं देख रहा हूँ बुक एंड ऑल। सर अभी टेक डॉक्टर विजय ज्वाली फॉर अ मिनट सर, देन आप जो हैं अभी मेट यू एट दी रामलीला ग्राउंड्स, सो यू हैव प्ले डिफरेंट रोल्स, तो आपको कैसा, हाउ डू यू फील टू बी अ पॉलिटिशियन एंड देन यू वांट टू गेट इनटू, यू नो, रामलीला इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। देखिए मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर ना केवल राजनीतिक पटल पर अपितु रामलीला के मंचन के द्वारा जो मुझे इंद्र का रोल और किरदार निभाने का मौका मिला है, मुझे लगता है कि मैं उसके साथ न्याय करूंगा। और आज के आधुनिक युग के अंदर आज की नई पीढ़ी को ना केवल भारत में अपितु दुनिया भर में लवकुश रामलीला के माध्यम से प्रेरित करने की कोशिश भी करूंगा। सर भी आप समीक्षा जी नमस्कार, विजय ज्वाली जी के साथ मैं चाहूंगा एक मिनट, आप भी बिकॉज राम भी थे तो सीता मैया के बिना तो राम पूरा हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वी गेटिंग मैम फ्रेम में आ रहे हमारे साथ सीता मैया जी, मैं बोल रहा हूँ इनको, एंड इन्होंने बोला बचपन में इन्होंने बोला कि आई वॉन्ट टू प्ले दी रोल ऑफ सीता एंड शी इज गॉट इट, वरदान मिला आपको। So how do you feel, ma'am? I'm very happy and I always feel that God is always very kind to me. मैंने जो चाहा है वो मिल जाता है क्योंकि बहुत शिद्दत से प्यार से चाहती हूँ। तो भगवान ने बहुत सारे किरदार निभाने का मौका दिया है, लेकिन इस बार मैं सीता माँ प्ले करने वाली हूँ और मुझे यकीन है कि मैं इस तरह से परफॉर्म करूँगी कि लोग मुझे बहुत प्यार करेंगे। बिकॉज वेन हम लोग बचपन में जब वो महाभारत और रामायण टीवी पे आते थे तो पूरा एरिया खाली हो जाते थे, पान की दुकान पे भी कोई नहीं होता था, और सीता मैया का जो रोल उन्होंने प्ले करता था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक्चुअली आप लोग को लोग पूजा करते हैं, मींस रियल में, मतलब दे वांट टू टच योर फीट, सो हाउ डू यू फील कि वो जो फीलिंग कैसी आती है आपको? वो फीलिंग तो मुझे लेनी है अभी, तो मैंने वो मैंने फीलिंग नहीं ली अभी, बट या मैं सोचती हूँ तो इट इज आई फील वेरी very excited towards that and I'm looking forward ki actually main uske liye bahut prepare kar rahi hu, bahut mehnat kar rahi hu ki jab tak wo mujhe as sita ma accept nahi karenge tab tak wo unke man se nahi aayega ki wo mere pair chhuye ya mujhe wo samman de, to uske liye mere liye ek challenge ban jata hai ki mujhe bahut mehnat karni hai aur us tarah se stage pe aana hai. And about sir, last question about theater and your education, you know, you want to talk something for a minute?
I am from a theatre background, right. In terms of acting, and I have done BA with English honours, and I am trained classical Kathak dancer. Yes, plus that dance part also I would yes. use to use. Yes, and I am a trained classical singer, and मेरे अभी एक singer एक single मैंने अभी release करवाया है, वो भी आया है. So I always believe कि हमें multi talented होना चाहिए, और किसी भी वजह से कोई मुझसे पूछे कि समीक्षा आपको ऐसा ये आता है, तो मैं हाँ बोलूँ कि यस आई नो दैट. थैंक यू द टीम सर. थैंक यू सर. थैंक यू मैम. नमस्कार. स्टॉप कर दे.